हेलो दोस्तों, क्रिकेट का खेल एक ऐसा गेम है जहां समय समय पर उसके नियमों में बदलाव होता रहता है। हालांकि यह बदलाव दर्शकों के लिए रोमांच ही पैदा करता है और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन क्रिकेट के दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है और संसार भर में यह खेल लोकप्रिय होता जा रहा है। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में कई नियम हैं और कोई भी खेल अपने नियम के आधार पर ही खेला जाता है। हालांकि समय के साथ साथ नियमों में बदलाव करना भी जरूरी होता है ताकि खेल में नयापन बना रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रिकेट के कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में जानेंगे जो पहले नहीं हुआ करते थे, परंतु अब वह क्रिकेट का हिस्सा है और जिसके वजह से पूरा क्रिकेट का खेल ही बदल गया है। फ्रेंड्स, पहला बदलाव लिमिटेड ओवर क्रिकेट में पावर प्ले का नियम है, जो फैंस को काफ़ी पसंद आता है। इस नियम के तहत पावर प्ले के दौरान फील्डिंग कप्तान अपने दो ही खिलाड़ियों को 30 यार्ड के बाहर रख सकते हैं। यह नियम 1996 के विश्व कप में आया था। वनडे क्रिकेट में यह नियम जहां 10 ओवर का है, वहीं T20 क्रिकेट में पावर प्ले 6 ओवर का होता है। बात जब हम दूसरे बदलाव की करें तो वो गेंदबाजों को पसंद नहीं आने वाले नो बॉल पर फ्री हिट का है। जी हाँ दोस्तों, ICC ने क्रिकेट को रोमांचक और दिलचस्प बनाने के लिए नो बॉल पर फ्री हिट का नियम बनाया था, जो आजकल मैचों को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रहा है। दोस्तों, क्रिकेट में अंपायर के द्वारा बल्लेबाजों को कई बार गलत आउट दे दिया जाता था, जिसके वजह से कई बार मैच के परिणाम पर भी असर पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए ICC ने DRS का नियम लाया, जिसके वजह से अब मैचों में निष्पक्षता आती है। इस नियम के मुताबिक अगर किसी खिलाड़ी को गलत आउट दिया जाता है तो वो फैसले को चुनौती दे सकते हैं। साथियों, 115 सालों तक क्रिकेट के खेल में थर्ड अंपायर का नियम नहीं था, परंतु 90 के दशक में खेल में ज़्यादा निष्पक्षता लाने के लिए ICC ने थर्ड अंपायर का नियम बनाया और आज के दौर में मैचों में थर्ड अंपायर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण बदलाव यह है जो अब बल्लेबाजों को रनर नहीं मिलता। जैसा कि आप जानते होंगे, पहले जब बैट्समैन चोटिल हो जाता था तो उसकी जगह रनर के तौर पर उन्हें दूसरा बल्लेबाज मिलता था और चोटिल खिलाड़ी अपनी पारी को आगे बढ़ाता था, लेकिन अब ICC ने इस नियम को बदल दिया है। बल्लेबाज अपनी रनिंग अगर खुद करना चाहता है तभी वह बल्लेबाजी कर सकता है, वरना वह रिटायर्ड हर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।